सीधी माँ लगातार सड़क हादसा बढ़ी रहे हैं। यह सड़क हादसा कहो न कहो यह बात कही रहा है कि सीधी माँ रफ्तार के कहर के साथ साथ हादसा जानलेवा हो रहे हैं। यह हम नहीं कही, हमारे पीछे एक गाड़ी खड़ी है, यह गाड़ी का अपना देख के स्थिति देख के अपना कह सकी थे कि वास्तव में ऊपर वाला कहाँ है। ऊपर वाला यदि साथ न दे तो वास्तव में एक बगल में हम कहब कि यहूँ का दिखावा जाए कि इतनी नीची जो है यह घाटी है जौने का देख के अपना समझ सकी थे कि यदि कौनों वाहन एक नीचे जात ता लगभग लगभग 100 से 150 फीट नीचे जात, और 150 फीट नीचे जाए के बाद कौनों वाहन में यदि व्यक्ति हो तो वास्तव में या एक बेहद दुखद घटना बन के रह जात। हमारे पीछे ये गाड़ी जो बुलेरो गाड़ी है, गाड़ी के नंबर है MP54T0187। यह गाड़ी या भेला घाटी माँ ब्रेक फेल होने के वजह से जो है या एठे आए के एक पेड़ में जाए के टकराए गए। हालांकि एठे लोग मौजूद हैं, कैमरामैन से कहा क्यों देखा मैं उन लोगों एठे मौजूद हैं जे सलगा जो है जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम भा है उन्हों से हम जाने के प्रयास करब। तो विंध क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, और यह जो हादसा भा है यह हादसा के बारे में जाने के प्रयास करी थे। हालांकि यह गाड़ी जो है इलाहाबाद से पटपरा जा रही, यह पटपरा से मऊगंज रोड में यह पूरा हादसा भा है। यह भेला घाटी में जो ऊंचाई में घाटी है किंतु यह इलाहाबाद के ओर से आ रही गाड़ी यह भेला घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि कहा थे ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, वह हाल भा कि ये माँ मौजूद सब सवारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुरक्षित के साथ साथ बिल्कुल गाड़ी में जो नुकसान भा हुई तो भा हुई, बाकी बैठे सवारी के साथ कौनों में के छिरभोग तक नहीं आई है। अब हम ये गाड़ी के ड्राइवर से बात करे के प्रयास करब। का नाम है अपना के? ड्राइवर को है, ड्राइवर को है, का नाम है जी? राम विलास भारती। राम विलास भैया, कैसा यह हादसा भा, का घटना भा, पूरा घटना क्रम बताए। घटना वहाँ से गाड़ी थोड़ा स्पीड हो गई है और गाड़ी में ब्रेक नहीं लगा, इसके बाद हम गाड़ी ले जाके सटा दिए इसमें, क्योंकि यहाँ खुद ले जाते गाड़ी तो पलटी खा जाती, सबकी जान चली जाती। हमको ये लगा कि गाड़ी हम यहाँ सटा देंगे तो सबकी जान बच जाएगी। कहाँ गए रहन अपना, कब गए रहन, यह पूरा घटनाक्रम? इलाहाबाद गए थे हम लोग। कब गए रहन? सुबह गए हैं 7 बजे घर से। हाँ। अभी वहाँ से 2 बजे निकले हैं। हाँ। फिर भी मोहगंज थोड़ा काम था, इसके बाद अब यहाँ आए 6 बजे, ऐसा घटना हुआ है। 6 बजे ये घटना भाग, केहू को जानकारी दी है पुलिस वगैरह में? जानकारी पुलिस वगैरह तो नहीं, घर की गाड़ी है आ रही है, किसी की चोट चटपट नहीं लगा था, हम किसी को परेशान नहीं किए। नहीं नहीं, तो ये बताइए कितने लोग ये गाड़ी में सवार रहे हैं अपना? ये 7 लोग थे। 7 लोग। गाड़ी के इंश्योरेंस और कागज वगैरह कंप्लीट सब ओके है? घर की सवारी है, घर की सवारी है, घर की गाड़ी है। अच्छा, कहाँ गए रहन इलाहाबाद, काहे का गए? हाट पुल लेके गए थे। चलिए, के साथ ही घटना भय रही था जिनका हाट पुल? मेरे पिताजी हैं श्री मंदिर का भारती जी, उनके साथ घटना भय, अपना बच्चे हाट पुल लेके गए रहे। देखिए, कहा थे ना कि यह पूर्वजन के साथ जो है यदि अपना बेहतर करी, जो पुराण में कहा गया है, तो उन्हों के आशीर्वाद, उन्हों के कहो न कहो या आशीर्वाद है कहा जी, उका कहा जी। हमारे साथ और लोग हैं जे, का नाम है अपना के? रजनीश भारती। रजनीश भैया, ये बताइए का कैसा घटनाक्रम भाव, कऊ में कितनी देर में ये गाड़ी एटी जाए के पहुंच गए, कऊ में लागर रहा अपना पचन है? थोड़ा झटका लगा गाड़ी में, वहाँ से गाड़ी की ब्रेक थोड़ा इधर उधर हुआ, गाड़ी सीधा जाके वहाँ चली गई, लड़का सटा दिया ड्राइवर साहब। हाँ, इसलिए बच गए। नहीं तो अपना के घर के यही नहीं ड्राइवर साहब? सगे हमारे भाई है। अच्छा, भाई यही घर के गाड़ी आए है ना जी? तो ये बताइए लागत कऊ में रहा अपना पचन, जब जनान या कि नीचे तो 150 फीट के खाई है और अब यह में होल लाग है, ऊपर से जब एठ तक आई हुई तो का मन मावा? ये लगा उनका भाई, मेरा भाई चला, उसको मालूम है वो चला चलाता है तो कंट्रोल कर ले जाएगा, लेकिन गाड़ी संभाल के संभाल लेगा वहाँ तक लेकर। नहीं तो भरोसा रहा भाई के ऊपर की गाड़ी के ऊपर या भगवान के? भगवान पर भाई सब है भरोसा, ड्राइवर है तो भगवान है बराबर ना, तो उनको भी नहीं तो भगवान के सुधी आई कितनी देर? भगवान का जब उनको वो है तो भगवान वही है, ऊपर तो भैया सवार होके बैठे है, अब उसी के सब काया माया से अपन लोग तो बचे है। हाँ, बकाया अपन लोगों को सबको सुरक्षित उतार दी है। हाँ, जो उसके ऊपर चोट चपेट आई है तो गाड़ी में आई है, अपन लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं आई। नहीं तो एको एक अपना का डर नहीं लगा? डर नहीं लगा, डेढ़ कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि
कोई भाई नहीं स्टेयरिंग में है जी जी ऐसे डर नहीं लगा। निश्चित तौर पर यह घटनाक्रम या जो कुछ भाई थे ये बिल्कुल कहन कहो भगवान के अस्तित्व के एहसास करावत है। और यह अस्तित्व जो है सीधे तौर पर अपना समझी कि महज सीधे ये अपना समझी कि 10 फीट आगे गाड़ी और पहुँचे पावत शुक्र गुजार करिए पेड़ के जो पेड़ गाड़ी का थाम ली हिस और यदि थोक गाड़ी आगे जाए पावत तो समझी कि 150 से 200 फीट की गहरी खाई है जौने माँ का होत शायद भगवानों न जनते और का होत शायद ड्राइवर साहबों न जनते और मतलब कुल मिला के एक बड़ा हादसा टला है। और यह कहो न कहो भगवान और तीसर शक्ति जो यह विश्व का चलाए रही है ओहू के एहसास करावत है। हमारे साथ और लोग हैं थे जय जने मतलब कहो न कहो बाल के मुंडन कराए हैं सब जने जो है इलाहाबाद गए रहे वो हार फूल लेके गए रहे का नाम है अपना घनश्याम गिरी ये बताइए अपनों गए रहे इलाहाबाद जी जी डेढ़ लाग रही जब ये में जनान की अब ब्रेक फेल हो गया है नीचे 150 फीट खाई है डेढ़ तो नहीं लाग साहब का लाग रहा सब ठीक ठाक हुई है ना नहीं या नहीं लागे सब ठीक ठाक हुई देर ऐसे नहीं लाग कि भाई गाड़ी ड्राइवर रहे हैं गाड़ी चला पर रहे हैं इरा चला भाई हुए कंट्रोल कर ले यही गाड़ी का लेकिन जब ब्रेक फेल हो गया तो नहीं हुए कंट्रोल घुसे गई है गाड़ी जी नहीं तो जनान अपना पचन का भी बताए कि ब्रेक फेल हो गया ऊपर की अपने आप ही चलावर रही गए ले आके सटाए दी जानकारी है जानकारी है ऊपर हो गए रही पूरा जानकारी हो गए डर नहीं लागो उत्ती जून डर का क्या बताई मान ली ये पेड़ ना हो तो का फेका हो तब तो जिंदगी चली जाए जो पेड़ ना हो तो डर लागत फिर डर लागत फिर काट जमु मरिन जाता है जब जिंदगी चली या देखी या कहा थे ना कि जब गम में खुशी हो तो वह भगवान है वह शक्ति है भगवान कही अल्लाह कही क्रिश्चियन के यीशु कही सब कहो ना कहो एक दूसरे तीसर शक्ति के पूजा कर रहे थे वह तीसर शक्ति कुछ हो सका थी कौनो रूप में हो सका थी। अब बात देखी वो चेहरन माँ जौने चेहरन माँ मायूसी हो चाहिए किंतु आज वो चेहरन में खुशी है काहे कि इनका जीवन दान मिला है हर बे या न हो ऐसे जरूरत यह है कि सलगी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त कह के निकला जाए कि यह में घटना होबे न करे। अब हम ड्राइवर साहब कहाँ हैं ड्राइवर साहब से हम और पूछा चाहब यह बताइए गाड़ी में अचानक कैसा कैसा प्रॉब्लम हो गया कई साल गाड़ी हो गई ये गाड़ी हो गई 8 साल की 8 साल के मेंटेनेंस नहीं कराई का मेंटेनेंस फुल है गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं था गाड़ी 40-30 की स्पीड थी यहाँ पे गाड़ी आई गाड़ी ब्रेक फेल हुआ हमको लगा गाड़ी फ्रेक हो गया वहाँ ले जाएंगे तो गाड़ी मेरी खाई में जाएगी सब लोग गड़बड़ा जाएगा इसके लिए मैं गाड़ी सटा दिया दाएं। अब मेरे को पता बीरवा आगे है क्योंकि मेरा ये तो घर है 10 किलोमीटर में घर है तो घर ही है हमको सब पता है आना जाना कहाँ है घर अपना पचन के पटपरा लाली माटी करौंदी करौंदी माँ जी यह बताई जो में यह हादसा भा आज अपना कहो न कहो अपना के सूझबूझ काम कही गए यदि यह में केऊ ओऊ के साथ हादसा हो हाँ तो कोई चांस नहीं था अपना तो जाना रहन की पेड़ है सही जे नहीं जाना रहा हुआ का करा वो तो फिर बचने कोई चांस ही नहीं था उसमें क्योंकि 30 फीट की थी गाड़ी एक हमको था कि हम गाड़ी चाहे पत्थर मार दे या पलटा दे मेरे को पता था गाड़ी हम खड़ी कर देंगे किसी कुछ नहीं होगा जी और अपना के ऊपर सबके भरोसा हो रहा भाई मेरे सब भाई हैं कोई चाचा है कोई ससुर है तो सब पर भरोसा है मगर हालात यह कि आज भाई भाई का भरोसा देखी हम तो यह परिवार का धन्य मानी थे कि मतलब एक परिवार वह एक दूसरे के ऊपर भरोसा था है कम से कम आज जहाँ एक भाई आज जमीन जागा जायदाद की तिर इतना लड़त है और लड़ते भर नहीं काहे ओमर सलगा मूड़ फोड़ डरी अस्पतालन में नहीं देखा था कि भाई भाई के आज दुश्मन बना है वह भाई के वह परिवार के यदि कोई अपने जिंदगी का लेके भरोसा कह ले कितनी बड़ी बात यह बताई ये भरोसा ठीक है इधर की भा गाड़ी जो मैं अपना के बीच में धोखा दी का कौन वजह से ये में भा ब्रेक कोई कमी नहीं थी हाँ। क्योंकि गाड़ी परसों सर्विसिंग में थी 10,000 रुपए लगा के आए हैं फिर हो गया काहे ब्रेक फेल अब गाड़ी का ब्रेक फेल होगा इतना हमको होता था गाड़ी फिर ब्रेक फेल हो जाता फिर क्यों लेके आते गाड़ी तो है तो कुछ भी हो सकता है चलिए ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक कहा लागे और यह बताइए नियंत्रण में गाड़ी रही 30-40 के रफ्तार में रही या घाटी उतरत रहे भेड़ा घाटी कऊ घाटी भेड़े ना भेला घाटी से उतर रहे और यह पूरा हादसा जो है सीधे हो गया और यह हादसा भा नहीं ये मैं सीधे भगवान अपने हाथ में ये गाड़ी को उठाए के पेड़ के लगे धाई दिन अब सोची कि ये मैं तीसर शक्ति के एहसास करी या फिर कौनों
भगवान के एहसास करी या इनके विश्वास के एहसास करी या ड्राइवर के सूझबूझ के एहसास करी, एहसास करे के पड़ी। कहे कि सीधे ये घाटी के नीचे 150 मतलब फीट नीचे गहरी खाई है, गाड़ी गिरत तो सीधे तौर पर समझी कि बचे के संभावना सिर्फ और सिर्फ 0% रही। और वह 0% मतलब 7 लोगन के और एक परिवार के कहो न कहो मतलब एक तो पहले से दुख माँ अपना पचे रहबे भें इलाहाबाद से हुई क्या बल्ला है घर में गमी है और उसके बाद एक बेहद बड़ा दुर्घटना और घटनाक्रम सामने होत। किंतु सलगी चीज बेहतर भई और बेहतर के साथ साथ कहो न कहो ड्राइवर के सूझबूझ से 7 लोग आज जो हैं सब सुरक्षित है, गाड़ी बीमा है सलगा है तो वह बन सका थी। किंतु सबसे बड़ी बात सड़क हादसा माँ देखा जाता है कि रफ्तार के कहर और कंडम गाड़ी के चलते जो है सड़क हादसा होते हैं। किंतु अब सड़क हादसा रोके खीतिर लगातार सरकारों प्रयास कर रही है, परिवहन के द्वारा कानून लिया बगा है कि 15 साल पुरान गाड़ी इनका कबाड़ में डाला जाए, उनका सड़क में चले के अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर ऐसे सड़क हादसा में कमी तो आई, किंतु यदि चालक जो है सूझबूझ के परिचय दे तो वास्तव में यमें घटनाक्रम से आदमी बच सकत है और अपन जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी बचा सकत है। एक बार फिर से कहा हमारे साथ जो कैमरामैन है शिवेन तिवारी उनसे कहा कि एक बार फिर से दिखा मैं वो गाड़ी के हालात कि यह गाड़ी के हालात देख के अपना कल्पना कर सकी थे कि एक नीचे यदि 10 फीट वो आगे गाड़ी जात तो शायद ऐठे अबे रोमन पीटन होत, ऐठे जो खिलखिला चेहरा है यम एक न खिलखिलाए पौते। ड्राइवर साहब के साथ साथ ये पूरा परिवार है ठे उन्हीं के परिवार है, उन्हीं के घर में गमीब है इलाहाबाद से अपने घर पटपरा लाली माटी जा रहे हैं और यह दौरान यह हादसा हो गया। कितना नुकसान भा हुई गाड़ी में? ज़्यादा नुकसान नहीं, 1000-2000 की हुई है ना पता नहीं चला जाए। चलिए मतलब कुल मिला के सोची या ईश्वर है और ईश्वर के एहसास करी अपनों करी हम करब और सबका करे चाहिए। कहे कि जब ऊपर वाला साथ देते है ना तो फिर हर मुश्किल दूर हो जाती और ऊपर वाला यदि विरोध में आएगा तो निश्चित तौर पर यह में घटना देखे का नहीं मिले। फिर ओमा आज के नहीं कम से कम 5-7 साल से गाड़ी लगातार चला रहे हैं उनकर भाई ने बोली लाए ड्राइवर साहब जी हाँ कम से कम 7-8 साल से गाड़ी ब्लोरो चला रहे हैं। तो ये बताइए जो गाड़ी चलाई वो इनके साथ ना हादसा होता वही के साथ ना हुई अब बनता ही नहीं है तो के संगे का हुई बाकी हमको कतई डेरा नहीं लाग अपना से बना थी चलावत गाड़ी हमसे बना थी हम ऑटो चलाए थे बोलेरो थोड़ी बहुत चलाए थे पर बोलेरो नहीं चलाई पूरा नहीं नहीं ला है हां तो नहीं चलाई अब बाकी चलावत अपना बैठो तो हमको लागे नहीं कि हम बैठे भाई काहे करी चलिए मान ले कि काहे वो बेचारू थक गए होते कहते कि ले थक गए होते तो कहती खड़ा कर ले पानी पी ले चाय पी ले सुस्ता ले फिर चली थी रिस्क ना ले रिस्क ना ले। चलिए बिल्कुल सही बात है और निश्चित तौर पर जे चलावत बनत है नौसिखियन का इस सड़कन में गाड़ी चलावे के आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि गाड़ी जो है सदा एक ड्राइवर जो बिल्कुल कबो शराब पी के गाड़ी न चलाई कबो तेज रफ्तार में गाड़ी न चलाई नियंत्रण में करे लायक रफ्तार हमेशा रखी तबे जाए के अपना के जान साथी के जान गाड़ी में जब बैठे सवारी उनकर जान सबे की जान सुरक्षित रही। और वास्तव में आज यह एक अद्भुत जो है हादसा अपना का हम दिखाई ला है जो उन्हें का देख के अपना सोचा में विवश हो जाए कि भगवान कहो न कहो जरूर है। एक पेड़ के सहारे 7 जिंदगी का बचावा गया है, वो 7 जिंदगी यह पेड़ के धन्यवाद दे रही हैं, ड्राइवर के धन्यवाद दे रही हैं और साथ में धन्यवाद दे रही हूँ भगवान के जे उनकर जान बचाए। स्थापन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद प्रणाम।